उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को नशा मुक्त बनाने की मंशा को लेकर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी प्रदीप गुप्ता ने जिले भर की पुलिस फोर्स को सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इसी मुहिम के चलते आज सैनी थाना पुलिस को नशा माफियाओं के काले कारनामों का नेटवर्क तोड़ने में कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अफीम की खेप ले जा रहे एक ट्रक को धर दबोचा। पुलिस ने अफीम की तस्करी के आरोप में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे गिरोह का खुलासा करने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी कौशाम्बी प्रदीप कुमार के मुताबिक 20 किलो अफीम की खेप सब्जियों से भरे ट्रक में छिपाकर बिहार से कानपुर के चौटगढ़ स्थित एक स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति को सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने ट्रक को आरोपियों समेत पकड़ने में सफलता हासिल की है। 20 किलो अफीम का जो जोजा पाउडर होता है, नशीली प्रतिबंधित वस्तु है, इसको एक मुखबिर की सूचना पे बरामद किया गया है। एक ट्रक पंजाब से दिल्ली जा रहा था सब्जी लेके, उसमें छुपा कर ले जाया जा रहा था। अभियुक्तों से पूछताछ चल रही है। अभियुक्तों ने बताया है कि हाईवे पर पड़ने वाले ढाबों में ये नशीली वस्तु को सप्लाई करते थे। इनसे और पूछताछ की जा रही है, इनके विरुद्ध केस पंजीकृत किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिव शंकर मोदनवाल की रिपोर्ट।